الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم काबतुल्ला बैतुल्ला कहा जाता है। बैतुल्ला से मुराद अल्लाह का घर। इसका यह मतलब नहीं कि माज़अल्लाह कोई अल्लाह ताला इसमें रहते हैं, बल्कि इसका यह मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्लियात ज़ातिया इस जगह पर वारिद होती हैं। जैसे परनाले में से पानी गिर रहा होता है, यूं समझिए कि अर्श से ऊपर से तजल्लियात ज़ातिया का परनाला गिर रहा है और वो तजल्लियात बैतुल मामूर से होती हुई बैतुल्ला के ऊपर गिर रही हैं और फिर यहां से पूरी दुनिया में तकसीम हो रही हैं। इसलिए बिलफर्ज बतकदीर अगर कोई शख्स बैतुल्ला शरीफ के इस कमरे को हटा दे तो भी यही जगह बैतुल्ला होगी, इसी रुख में नमाज पढ़ने का हुक्म होगा। और ये तजल्लियात इस घर पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इससे नीचे तहतुस सरा तक जाती हैं। इसलिए कोई आदमी समुंदर के अंदर 20 किलोमीटर नीचे भी चला जाए तो वो जो रुख करेगा तो उसके सामने तजल्लियात का सुतून होगा। कोई खला में चला जाए, वहां भी अगर वो सजदा करेगा तो उसके सामने इन तजल्लियात का सुतून होगा। असल में वो तजल्लियात हैं जिन्होंने इस जगह को बैतुल्ला बना दिया। अब अल्लाह ताला के इस घर का दीदार करने के लिए हमारे अकाबिर बड़े ज़ौक शौक मोहब्बत के साथ सफर करके आते थे और पता नहीं कितनी दुआएं मांगते थे, कितनी कुर्बानियां होती थीं, मुश्किलात सफर की होती थीं, फिर जाकर यहां पहुंचना नसीब होता था। कई तो ऐसे थे कि सारी सारी जिंदगी दुआएं मांगते गुजर गई, तड़पते गुजर गई, मगर उनको इस जगह का दीदार नसीब न हो सका, दिल में हसरतें लेकर चले गए। और आज हम आजिज मिस्कीनों को देखो कि बावजूद अपने गुनाहों के रब्बे करीम ने अपने घर के इस रास्ते को आसान कर दिया। फर्क इतना है कि पहले रास्ते कच्चे होते थे, मुसाफिर पक्के होते थे, आज रास्ते पक्के हैं और मुसाफिर कच्चे हैं। रास्ते कच्चे होने का तो ये हाल कि पहले पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से जो लोग सफर करते थे वो समुद्री जहाजों का सफर करते थे, और पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंचने में उनको दो दो महीने लग जाते थे। रास्ते में जहाज चल रहा होता और समुद्री तूफान आ जाता, सैलाब आ जाता, हाई टाइड आ जाती तो जहाज को लंगर अंदाज कर दिया जाता। एक हफ्ता, दो दो हफ्ते, तीन तीन हफ्ते एक ही जगह पर जहाज खड़ा रहता कि तूफान उतरेगा तब आगे चल पाएंगे। और दो दो तीन तीन हफ्ते एक ही जगह पर खड़े होने से जो मुसाफिरों का हाल होता, अल्लाह अकबर कबीरा, समुद्री बीमारियां भी उनको लग जाती, मतली होती,
किसी को नींद का मसला, किसी को कुछ और मसले, और फिर गर्मी इतनी कि न पूछें। जब चारों तरफ पानी हो और गर्मी का मौसम हो और आदमी को उस बंद जहाज के अंदर रहना पड़े तो क्या हशर होता है, आदमी इसका तसव्वुर ही कर सकता है। इसलिए अगर हज के सफर पे चलना होता था तो रमजान मुबारक से पहले सफर शुरू हो जाता था। आप सोचिए कि रमजान से पहले से चलते थे, फिर जाकर हज के दिनों में यहां पहुंच पाते थे, और फिर इतने मुश्किल सफर के बाद जब जद्दा आते थे तो हमारे हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि जहाज को समुंदर में 3 दिन खड़ा कर दिया जाता था ताकि अगर मुसाफिरों को कोई बीमारी है तो वहीं उसका इलाज किया जाए। 3 दिन के बाद मुसाफिरों को जद्दा की जमीन पर पांव रखने की इजाजत मिलती थी। अब आप सोचिए कि 3 दिन जद्दा पहुंच भी गए मगर जमीन पर पांव रखने की इजाजत नहीं, 3 दिन के बाद उतरने की इजाजत मिलती थी। और फिर जद्दा से मक्का मुकरमा का आना ये मुस्तकिल एक काम था। उस वक्त ये सड़कें तो होती नहीं थीं, तो पहाड़ियां थीं, तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना और दूसरी तरफ से नीचे उतरना, और अगर देखो तो 50 गज का सफर सारा होता था। तो उस जमाने में लोगों के पास अपनी सवारियां तो होती नहीं थीं, तो मकामी लोगों के पास ऊंट होते थे और वो काफी किराया लेते थे। कई दफा इतना किराया होता कि पूरा दे भी नहीं सकते थे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया कि हम लोग अपने सामान को ऊंटों पे लाद देते थे और पैदल ऊंट के साथ चलते थे और 3 दिन में जद्दा से मक्का मुकरमा पहुंचते थे। अब सोचिए कि मक्का मुकरमा पहुंचना ही कितना बड़ा मरहला था, और ये जो 3 दिन होते थे इनमें रास्ते में कोई पानी नहीं होता था, अपना पानी अपने साथ। अब सोचिए 3 दिन में तहारत के लिए कितना पानी चाहिए, वुजू के लिए कितना चाहिए, पीने के लिए क्या चाहिए, ये पानी भी साथ होता था। रास्ते में खुश्क पहाड़ियां, कहीं साया नहीं, और धूप में ये सारा सफर करना होता था। कोई दरमियान में चाय के होटल नहीं थे, कोई अच्छा खाना नहीं था, कोई काला पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, तो इंसान को बहुत तंगी के बाद मक्का मुकरमा में आना नसीब होता था। और यहां मक्का मुकरमा रहते हुए भी मुजाहिदा होता था, खाने पीने की चीजों में, हत्ता के अराफात में कई मर्तबा पानी खत्म हो जाता था तो हज के जितने मुसाफिर होते थे बस उन्हीं के पास जो पानी होता उस पर गुजारा करना होता था। अब सोचिए वहां कितनी मुश्किल होती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी आसानियां कर दी कि हम लोग एयर कंडीशनर हवाई जहाजों में बैठते हैं और 4 घंटे के अंदर जद्दा उतर आते हैं और वहां एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं और 4 घंटे में सारी कार्रवाई मुकम्मल होकर हम दोबारा एयर कंडीशन बस में बैठ चुके होते हैं। फिर एयर कंडीशन बस से उतर के एयर कंडीशन कमरों में पहुंचते हैं और यहां आकर भी हम कहते हैं जी कि बहुत तंग हो के हम यहां पहुंचे, अब हमारे लिए हरम जाना मुश्किल है। सोचिए कितना फर्क है। आज खाने मुयस्सर हैं, ठंडे पानी, मशरूबात, क्या क्या नेमतें हैं कि उनको देखकर बेइख्तियार दिल से ये निकलता है फबी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो पहले जमाने में रास्ते कच्चे होते थे, मुसाफिर पक्के होते थे, आज सड़कें रास्ते पक्के बन गए,
मुसाफिर कच्चे बन गए। इतनी तकलीफों के बाद हमारे अकाबिर यहां पहुंचते थे और फिर आमाल में वक्त गुजारते थे। हमारी तरह कमरे को इतना ठंडा कर लेना कि जैसे चिलिंग प्लांट लगा हुआ हो, और कंबल लेके सोए रहना और इंतजार में रहना कि कब अजान होगी, तब उठ के वुजू करना शुरू करेंगे और मुमकिन है कि बस आखिरी रकत हमें मिल जाए। ये तो हमारे तौर तरीके हैं, उन अकाबिर का मामला तो कुछ और था। चुनाचे जारुल्ला ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर कशाफ लिखी, वो जब आए तो बैतुल्ला के पास ही हर वक्त रहते थे, इतना रहते थे कि अरबों ने उनको जारुल्ला कहना शुरू कर दिया। जारुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का पड़ोसी। अब सोचिए उन्होंने बैतुल्ला के पास कितना वक्त गुजारा होगा कि लोगों ने उनको अल्लाह का पड़ोसी कहना शुरू कर दिया। हजरत कारी रहीम बख्शवानी पति रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते थे कि मैं एक मर्तबा उम्रे के सफर पर गया तो जितने दिन मुझे वहां रहने का मौका मिला, मेरी हर नमाज तकबीरे उला के साथ पहली सफ में इमाम के पीछे अदा हुई, मैंने कोई नमाज दूसरी सफ में भी अदा नहीं की। अब आप सोचिए, हर नमाज पहली सफ में इमाम के पीछे तकबीर उला के साथ अदा की। मुझे तो लगता था कि शायद वो फजर के बाद वजू करने जाते होंगे और फिर जोहर से लेकर ईशा तक उसी वजू से नमाजें पढ़ते होंगे, फिर ईशा के बाद वजू करने जाते होंगे। ऐसे लगता है कि बस हरम में ही बैठे रहते थे। तो हमारे बुजुर्गों ने देखिए ऐसे यहां वक्त गुजारा। इसलिए एक बुजुर्ग थे जो 70 तवाफ रोजाना करते थे, जबकि उनकी अपनी उम्र भी 70 साल थी। 70 तवाफ का मतलब हर तवाफ के 7 चक्कर, तो 490 तो चक्कर लगते थे, और फिर 140 रकत नमाजें नफल तवाफ जो होते हैं वो पढ़ने होते थे, और उनके बाकी आमाल इसके अलावा होते थे। हमने यहां एक अफगानी शेख को देखा, हैरान होते थे, वो व्हीलचेयर पे होते थे कि चल तो सकते नहीं थे, और बस वो अपने हाथों से व्हीलचेयर के पहियों को घुमाने की कोशिश करते, थोड़ा चलते फिर रुक जाते, फिर चलते फिर रुक जाते। उनको इस हाल में देख के अल्लाह ताला किसी ना किसी दिल में डाल देते नौजवान के, कोई उनको एक तवाफ करवाता, कोई दो तवाफ करवाता, कोई तीन तवाफ करवाता। हमने देखा कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके उनको तवाफ करवा रहे होते थे। उनको हर वक्त हमने तवाफ में देखा, हर वक्त तवाफ में देखा। वाह मेरे मौला, आपके चाहने वाले भी कैसे कैसे हैं। तो देखिए माजूर होकर इतने तवाफ वो रोजाना किया करते थे। हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बतलाया, फरमाने लगे कि एक मर्तबा मैंने बैतुल्ला शरीफ के सामने इस तरह कुरान मजीद मुकम्मल किया कि एक आयत को पढ़ता था और उस आयत के मुनासिब जो भी दुआ होती वो दुआ करता था। मसलन बशारत की आयत है तो अल्लाह से नेमतें मांगता, जन्नत मांगता, डराने वाली आयत है तो दोज़ख से पनाह मांगता। हर हर आयत से मुतलका मैं दुआ मांगता, और इस तरह एक एक आयत पर दुआ मांगते मांगते मैंने बैतुल्ला शरीफ के सामने पूरे कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ा। आज हम तो एक कुरान पाक पढ़ ही नहीं पाते, वो हर हर आयत पे दुआएं मांगते थे। अब सोचिए कि हमारी जिंदगी में और उनकी जिंदगियों में कितना फर्क है। तो इसलिए याद दर कर रहा है कि पहले रास्ते कच्चे होते थे, मुसाफिर पक्के होते थे, आज रास्ते पक्के हो गए, मुसाफिर कच्चे हो गए। और फिर जो लोग आते थे वो अल्लाह से लौ लगाते थे। सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है
कि बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहे थे, वक्त का हाकिम मिला, कहने लगा कि सालिम आप बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उन्होंने माजरत कर दी, वो कहने लगा नहीं नहीं आप मांगे जो मांगते हैं। तो उन्होंने बैतुल्ला की तरफ इशारा करके कहा कि खुदा के बंदे इस घर के पास आके भी मैं तुझसे कुछ मांगूंगा। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ जो हाकिम था। सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ने अपना तवाफ मुकम्मल किया और तवाफ मुकम्मल करके जब हरम से बाहर निकले तो वो हाकिम इंतजार में था। वो भी उस वक्त बाहर निकला, फिर मिला और फिर मिलके कहने लगा अच्छा जी अब तो हरम से बाहर आ गए, अब आप मुझसे मांगे। तो सालिम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई बताओ मैं आपसे दीन मांगू या दुनिया मांगू। तो वो हाकिम दीन तो कह नहीं सकता था, इसलिए कि दीन में तो सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक लोगों में थे, बड़े हुए थे, अपने वक्त के बड़े अकाबरीन में से थे। तो उसने आगे से जवाब दिया जी आप मुझसे दुनिया मांगे। जब हाकिम ने यह कहा कि मुझसे दुनिया मांगे तो उन्होंने फरमाया कि जिस जात ने दुनिया को पैदा किया मैंने जिंदगी में उससे दुनिया कभी नहीं मांगी, मैं तुझसे दुनिया क्या मांगूंगा। तो ये हजरत बैतुल्ला में वक्त गुजारते थे तो फिर अल्लाह से अपनी सब उम्मीदें लगाते थे और फिर अल्लाह ताला इनको अता फरमाते थे। तो मुजाहिदे तो वो करते थे मगर मुशाहिदे भी उन्हीं को होते थे। आज अगर मुजाहिदा नहीं तो फिर मुशाहिदा भी तो नहीं है। दिन गुजर जाते हैं और जैसे आते हैं वैसे के वैसे रहते हैं, अपने दिल में कोई तब्दीली महसूस नहीं होती। ये जो शिकवा होता है ना जी कि हमें तो अपने अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा, असल में कहने वाला कह रहा होता है जी मैं क्या करूं मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या आए नजर क्या देखे। उस वक्त मुजाहिदा तो बहुत होता था, इतना मुजाहिदा कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा फरमाया कि हम लोग तरबूज खरबूज के छिलके को खाकर जब उसके छिलके फेंकते थे तो मकामी बच्चे आपस में झगड़ा करते थे कि इसको उठा के मैं खाऊंगा या इसको उठा के मैं खाऊंगा। इतनी गुर्बत होती थी कि वो फलों के छिलके उठा के खाने पर एक दूसरे के साथ झगड़ा किया करते थे। फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, रास्ते में एक बूढ़ा मिला अरबी इराबी और उसने हाथ से इशारा किया कि जैसे उसको बहुत भूख लगी हुई है और उसके ने कई दिन से नहीं खाया। हजरत फरमाते हैं कि मैंने अपनी अहलिया साहिबा से फरमाया कि भाई वो चूल्हा जलाएं और इसको कोई रोटी वगैरह पका के खाना खिलाएं। कहते हैं कि मेरी अहलिया साहिबा ने अपना सामान निकाला, जब उन्होंने आटा निकाला और उस बूढ़े मियां ने उस आटे को देखा तो उसने एक प्याला लेकर उसमें कुछ पानी डाला और कच्चा आटा हाथ में लेकर उस पानी में घोला मिलाया सत्तू की तरह और कच्चे आटे को उसने पी लिया और कहने लगा कि अब मैं रोटी पकने का इंतजार कर सकता हूं। इतनी तो भूख लगी हुई होगी ना कि रोटी पकने का इंतजार करना उसके लिए मुश्किल था, मगर इसके बावजूद इतनी तकलीफें उठाते थे और ये हजरात यहां रहकर बैतुल्ला का फैज पाते थे। चुनाचे एक मरतबा हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह यहां तशरीफ लाए तो फरमाते हैं कि एक अरबी बच्चा था, वो हमारे खेमे में आता और हम उसे बचे हुए रोटी खाना वगैरह दे देते। तो जब बार बार वो आता और प्यारा प्यारा बच्चा था तो उससे हमें काफी उन्स हो गया, वो भी हमसे मानूस हो गया। तो फरमाते हैं कि जब हमारे जाने का दिन करीब आया तो वो बच्चा भी जरा गमगीन गमगीन नजर आता। मेरी अहलिया उसे बताती
कि बस अब हम चले जाएंगे, तो वो बेचारे का दिल, उसका चेहरा जो था ना, बड़ा ही ज्यादा उदास नजर आता। तो फरमाने लगे कि एक दिन मेरी अहलिया ने उससे कहा कि अच्छा, अगर तू हमारे साथ आना चाहे, हम तुझे अपना बेटा बना लेते हैं, तो हमारे साथ चल, वहां हमारे मुल्क में तो बिजली के पंखे भी हैं और खाने पीने की सारी नेमतें भी हैं, हम तुझे पढ़ाएंगे भी और पालेंगे भी और तुझे अपने बच्चों की तरह रखेंगे और तुझे ऐसी ऐसी खाने पीने की हर हर नेमत वहां मिलेगी। तो जब मेरी अहलिया ने खूब अच्छी तरह उसे तरगीब देकर बात की, तो उस बच्चे ने वो सारी बात गौर से सुनी और सुनने के बाद कहने लगा, अच्छा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सब कुछ वहां होगा। तो मेरी अहलिया ने कहा, हां सब कुछ वहां होगा। तो इसके बाद उसने बैतुल्ला की तरफ हाथ बढ़ाया और इशारा करके कहने लगा कि क्या ये भी वहां होगा। तो कहने लगे, ये सुनकर मेरी अहलिया कहने लगी, नहीं ये तो वहां नहीं होगा। जैसे ही उस बच्चे ने सुना कि बैतुल्ला वहां नहीं होगा, तो वो कहने लगा कि मैं वहां कभी भी नहीं जा सकता, मैं बैतुल्ला शरीफ के नेबरहुड को, इसके पड़ोस को कभी भी नहीं छोड़ सकता। छोटे बच्चे इतना मुजाहिदा करते और फिर भी उनको बैतुल्ला शरीफ के साथ ऐसी मोहब्बत होती थी। और आज हमारी क्या हालत है, क्या क्या नेमतें हैं। पहले मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाना होता था तो दो दो हफ्ते लगते थे जाने में, तीन हफ्ते भी लग जाते थे। ऐसा होता कि मुसाफिर चलते और रास्ते में बारिश हो जाती, तो बारिश होने की वजह से जो रास्ते में आबशारे हैं और झीलें हैं और उनका पानी जमा होकर जो हां नाले हैं, वो नाले बह पड़ते और पानी इतना तेज होता कि मुसाफिरों को बहा के ले जाता। तो लोगों को दो दो हफ्ते एक ही जगह के ऊपर इंतजार में बैठना होता कि सैलाब जाए तो फिर हम सफर शुरू कर सकें। आज तो पुलें बन गई, कई जगहों पे आप गौर करें, गाड़ियां चलते हुए एहसास होता है दो दो किलोमीटर लंबी पुलें बनी हुई हैं, उनके नीचे से पानी गुजरता था, तो वो तो दरिया होता है जब पानी उसमें होता है। इतना मुश्किल ये सफर होता था। चुनाची इमाम शाफी रहमतुल्लाह अपना वाकया सुनाते हैं कि मैं मीना में था, एक बूढ़ा मुझे मिला और मुझे कहने लगा कि एक ए नौजवान, तू अल्लाह के लिए मेरी दावत को कबूल कर ले। फरमाते हैं मैंने बेतकल्लुफ उसे कहा कि हां मैंने दावत कबूल कर ली। यह सुनते ही उसने अपनी गठड़ी खोली और जो उसके अंदर खुश्क रोटी थी और जो कुछ था उसने ना दस्तरखान पर बिछा दिया और मुझे कहने लगा अच्छा खाओ। फरमाते हैं मैंने बेतकल्लुफ खाना शुरू कर दिया। उसने थोड़ी देर मुझे खाते देखा तो मुझे कहने लगा कि नौजवान तू मुझे कुरैशी नजर आता है। मैंने कहा हां हूं तो सही, मगर आपको पता कैसे चला। वो कहने लगा इसलिए कि कुरैशी लोग दावत कबूल करने में भी बेतकल्लुफ होते हैं और खाने पीने में भी बेतकल्लुफ होते हैं। कहने लगे कि मैंने उससे पूछना शुरू किया, जी आप कहां से आए। उसने कहा जी मदीना तैयबा से। तो मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बातें सुनी हुई थी तो मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया कि मुझे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बातें सुनाओ। उसने बताया कि वो मस्जिद नबी में दर्स हदीस देते हैं और पढ़ाते हैं और वो तो इमाम दारुल हिजरा हैं। बड़ी बातें कहीं। मेरे शौक को देखकर बूढ़े ने कहा कि अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो हमारे पास एक ऊंट है जिसका सवार वापस नहीं जाएगा, तो हम आपको उस ऊंट पे बिठा देंगे, तुम हमारे साथ पहुंच जाओगे। फरमाते हैं मैंने इरादा कर लिया, मैं काफले वालों के साथ मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा चला। 16 दिन में सफर मुकम्मल हुआ, मगर 16 दिन में मैंने 16 कुरान-ए-मजीद मुकम्मल पढ़ लिए। अब आप गौर कीजिए कि वो 16 दिन सफर करते थे ऊंट का और 16 दिन में 16 कुरान-ए-मजीद पढ़ लिया करते थे। और आज हम 16 दिन गुजार के जाते हैं और एक कुरान-ए-मजीद पूरा नहीं पढ़ जाते।
हमारी बेतौफीकी का हाल भी देखें, गफलत का भी हाल देखें कि यहां आकर भी हमें इन आमाल की इतनी तौफीक नहीं होती, इसलिए फिर हमें कुछ नजर भी नहीं आता। वो किसी ने कहा, नशबद नसीबे दुश्मन के शबद हलाके तेगत, के दुश्मन के ये नसीब में ही नहीं था कि वो महबूब तेरी तेग से हलाक हो। नशबद नसीबे दुश्मन के शबद हलाके तेगत, सरे दोस्तां सलामत के तु खंजर आजमाई। दोस्तों के सर सलामत रहें कि उन पे तो खंजर को आजमाता है, यानी अल्लाह ताला मुजाहिदे भी अपने प्यारों पे भेजता है। नशबद नसीबे दुश्मन के शबद हलाके तेगत, सरे दोस्तां सलामत के तु खंजर आजमाई। बतवाफ़ काबा रफ़्तम बहरम रहम नदानद, कि मैं तवाफ के लिए जब गया तो मुझे काबे के अंदर कोई रास्ता ना मिला। जब मुझे काबे का रास्ता ही ना दिखाया गया तो एक आवाज आई के बरूचे कार कर दी के दरून खाना आई। आने वाले मुसाफिर, तुम बाहर क्या करतूत करते फिरे हो, अब मेरे साथ मेरे घर में आना चाहते। तो हम भी तो सोचे ना कि हम बाहर कैसी जिंदगी गुजार के आए, जो अब अल्लाह के घर में आके अल्लाह की खास तजल्लियात के देखने के हकदार बन जाते हैं। काश इस दिल को हमने संवारा होता, इसको गैर से खाली कर लिया होता, इसको उजला बना लिया होता, तो जब यहां आते तो फिर आकर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्लियात का दीदार नसीब हो जाता। हमारे अकाबिर इसके लिए मेहनतें करते थे। आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। इंसान तो इंसान, यहां तो हमें परिंदे भी तवाफ करते कई दफा नजर आते हैं। शाम के वक्त आप जरा अवाबीलों को देखें, उनके गोल के गोल, झुंड के झुंड, ऐसे बाजमात बैतुल्ला शरीफ के गिर्द घूम रहे होते हैं, चारों तरफ घूम रहे होते हैं। हैरान होते हैं कई मर्तबा कि शायद इन परिंदों को भी वो नूर नजर आता होगा और उस नूर के गिर्द ये भी चक्कर लगा रहे होंगे। कबूतर कई मर्तबा चक्कर लगाते नजर आते हैं, हालांकि आम तौर पर अकल ये कहती है कि 500-500 कबूतर एक जगह पर कई मर्तबा उतरते हैं, तो इनके लिए तो सबसे आरामदेह जगह वो तो बैतुल्ला शरीफ की छत है। तो ये सारे 500 कबूतर अगर बैतुल्ला शरीफ की छत पे रहना शुरू कर दें तो फिर तो बैतुल्ला शरीफ की छत जो है इनकी बीटों से भर जाए, मगर ऐसा नहीं होता। बैतुल्ला शरीफ की छत पर कभी कभी कोई एक आध परिंदा नजर आता है और वो भी मकामी लोगों के बकौल बीमार होता है। जैसे बीमार आदमी नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है, पानी की शावर ले लेता है, यूं लगता है कि जैसे ये परिंदे बीमार होते हैं तो ये भी नूर की शावर लेने बैतुल्ला की छत पे जाके बैठ जाते हैं, सेहत याब हो जाते हैं तो फिर उनका चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। बल्कि मकामी बंदों ने बताया कि उन्होंने कई मर्तबा बिल्लियों को तवाफ करते देखा। हमें भी आज सुबह एक बिल्ली बैतुल्ला में नजर आई, यानी हरम में नजर आई, तो एक करीबी बुजुर्ग थे, साथ बैठे हुए थे, वो फरमाने लगे कि हमने भरपूर मजमे के अंदर एक बिल्ली को तवाफ का पूरा चक्कर लगाते हुए देखा। हालांकि इतने मजमे में बिल्ली का क्या काम, मगर जैसे लोग चल रहे हैं बिल्ली भी उनके साथ चल रही है और वो भी इसी तरह तवाफ का चक्कर लगा रही है। वाह मेरे मौला,
तेरे चाहने वाले फकत इंसानों में ही नहीं हैवानों में भी मौजूद है। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। सच्ची बात कहता हूं, दिल की बात कहता हूं कि इस दुनिया में जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत को चाहा गया, जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत की गई, जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत को तन्हाइयों में पुकारा गया, जितना उसके सामने दामन फैलाए गए, जितना उसे खलवतों में याद किया गया, और जितना उसकी मोहब्बत में आंसू बहाए गए, और जितना उसकी मोहब्बत में गर्दनें कटवाई गईं, कोई और हस्ती जहान में ऐसी नहीं कि मखलूक ने मोहब्बत किसी को इतनी ज्यादा दी हो। ये शान फकत उस परवरदिगार आलम की है कि मखलूक उस पे कुर्बान हुई जा रही है। काश के अल्लाह ताला हमें भी दिल का वो जज्बा अता फरमाए कि हम भी उस जज्बे के साथ यहीं से कुछ पा के वापस जाएं। कुछ चीजें रुकावट बन जाती हैं, मिसाल के तौर पर हदीस पाक में आता है, एक आदमी गिलाफ़े काबा को पकड़ के दुआएं मांग रहा है और या रब कह रहा है, मगर वह मलबिसहु हराम, उसका लिबास हराम का, उसका खाना हराम का। तो फरमाया कि उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। और अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नहीं शेख शाबदीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को देखा कि जो बैतुल्ला शरीफ के गिलाफ को पकड़ के दुआएं मांग रहा था, और उसके दिल में नीयत थी कि काश बसरा वाले मुझे देख लेते मैं कैसी दुआएं मांग रहा हूं। यानी अंदाजा लगाइए कि वो गिलाफ काबा को पकड़ के दुआएं मांग रहा है, रो रहा है, मगर उसके नफ्स की ख्वाहिश यह है कि मेरे साथ जो बसरा से लोग आए हैं वो कभी मुझे इस हाल में देखते तो उसका ये रोना अल्लाह के लिए ना हुआ, ये रोना मखलूक के लिए हुआ, इस रोने को रद्द कर दिया जाएगा। कितने अफसोस की बात है, इतना सफर करके मशक्कतें उठा के अगर यहां पहुंचे तो क्या लोगों को दिखाने के लिए हमने ये नफलें पढ़नी है, दुआएं मांगनी है, तवाफ करने हैं, बार बार जाने? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। हम अपनी नीयतों को ठीक कर लें कि हमने तो हर अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए करना है। हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे जो भी फैज मिला यह मरकज तजल्लियात से मिला, यानी बैतुल्ला शरीफ से मिला। और वाकई ये सुनाया करते थे कि एक मरतबा हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह इमाम उलमा वस्सुलहा एक मरतबा मताफ में थे और जमात के भी चंद हजरात साथ थे। हजरत तवाफ कर रहे थे और जमात के लोग भी पीछे पीछे तवाफ में मसरूफ थे। इस दौरान बैतुल्ला शरीफ का दरवाजा खोला गया और जो खोलने वाला दरबान था उसने हजरत को देखकर कहा कि आप अंदर जाना चाहते हैं तो ऐ शेख आप चले जाएं। फरमाते हैं कि हजरत ने मुझे भी इशारा कर दिया कि आओ, चुनाचे मैं भी हजरत के पीछे, एक और आदमी जो अरबी नजर आता था वो भी पीछे आ गया। फरमाते हैं कि बैतुल्ला शरीफ के अंदर दाखिल होकर हमने दो रकत नफल पढ़े, दुआ मांगी। मेरे दिल में उस वक्त एक तमन्ना पैदा हुई, मैंने हजरत से अर्ज किया कि हजरत मुझे आप इस मरकजे तजल्लियात के अंदर बैत फरमा लें। तो फरमाते हैं कि हजरत ने मेरी दरखास्त को कबूल कर लिया और मुझे बैत के कलिमात अंदर बैतुल्ला के पढ़ाने शुरू कर दिए। वो जो अरबी आदमी नजर आता था उसने भी दरखास्त की कि मुझे बैत कर लें, मगर हजरत ने कहा कि भाई आप इस देश के रहने वाले हैं और मैं तो किसी और जगह का रहने वाला हूं, हमारा आपस में रब्त नहीं रह सकेगा, इसलिए आप किसी मकामी शेख से बैत हो जाएं। फरमाते हैं उसके बाद हमने मुराकबा किया, मुराकबे में मुझे यूं लगा कि वो जो अरबी आदमी था वो मुझे कह रहा है कि देख रहे हो, देख रहे हो। तो मैं क्या देख रहा हूं कि उसके हाथ में मुट्ठी में मट्टी है और वो उस मट्टी को फेंकना चाहता है। जब मैंने कहा कि हां देख रहा हूं तो उसने मट्टी को फेंका और वो मट्टी उड़ते 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 दरियाओं से
اور کھیتوں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے اوپر جا کر ایک دور بڑی خوبصورت جگہ تھی، وہاں جا کے گری۔ فرماتے ہیں بھئی اتنی دیر مراقبہ تھا اور اتنی دیر میں حضرت نے دعا کروا دی۔ جب نیچے اترنے لگے بیت اللہ شریف کی سیڑھیاں، تو سیڑھیوں کے درمیان حضرت نے مجھے فرمایا کہ ابدال نے تمہیں کیا کہا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو نہیں اندازہ تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مراقبے میں اونگ آ گئی اور اونگ میں میں نے یہ کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن جب حضرت نے پوچھا تو میں نے حضرت کو پوری تفصیل بتا دی کہ میں نے یوں دیکھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ وہ جو آدمی بیعت ہونا چاہتا تھا وہ ابدال تھا، اور اس کو بیعت سے انکار جو میں نے کر دیا، تو اب میرا فیض تمہارے ذریعے سے پوری دنیا میں جائے گا، جہاں تک تم نے مٹی کو جاتے دیکھا وہاں تک اللہ تعالیٰ سے میں پہنچائیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں تھی اس وقت، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرم شریف بار بار آنے کا راستہ کھولا، پھر حج عمرے کے موقع پر یہاں باہر ملکوں کے لوگ آتے بیعت ہو جاتے، اور میں سمجھتا کہ خواب پورا ہو گیا، یہ فلاں ملک سے آگے بیعت ہو گیا، یہ فلاں ملک سے آگے بیعت ہو گیا۔ مگر 35 سال کے بعد فرماتے ہیں کہ ری یونین میں مجھے دعوت دی گئی، اور اس دعوت پر جب میں وہاں رمضان مبارک میں پہنچا تو میں نے ہو بہو وہی منظر دیکھا جو 35 سال پہلے میں نے بیت اللہ کے اندر دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے مجھے اس جگہ تک پہنچا دیا۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مرکز تجلیات سے فیض ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرشد عالم بنا دیا۔ آج ہم بھی اسی جگہ آئے ہوئے ہیں، تو کیا ہم اپنا دل دھو کے نہیں جا سکتے؟ یقینی بات ہے کہ دھو کے جا سکتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی اور ہمت کر لیں، کوشش کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ مشکل تو نہیں ہے، مگر ہمت کوشش کرنی ہوتی ہے۔ لوگ یہاں آتے تھے تو دنیا کو لات مار کے آتے تھے، اور ہم یہاں آتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے دل میں دنیا گھسی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو ہر غیر سے خالی کر لیجئے اور اللہ سے لو لگا کے مانگیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں۔ چنانچہ کیسے کیسے حضرت پہلے آیا کرتے تھے، سبحان اللہ، مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلا، اتنی گرمی تھی کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہو، ہو کا عالم، کوئی بندہ بائے نظر نہیں آتا تھا، جانور بھی درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے، پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے، انسان بھی گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے۔ مجھے کسی کام کے لیے جانا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے سرینوں کے بل، اور ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کے آگے چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے کپڑے ایسے سینے میں شرابور جیسے یہ غسل کر کے پانی سے نکلا ہو، اور چہرہ اس کا سرخ جیسے آگ نے اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیا ہو۔ میں نے اس سے سلام دعا کے بعد کہا کہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا میں فلان جگہ سے چلا ہوں اور میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ حج کو ابھی بہت وقت باقی تھا، میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر میں آرام کر لے، شام کو جب ذرا گرمی کم ہوگی تو پھر اپنا سفر شروع کر لینا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار، آپ تو ٹانگوں سے چلتے ہیں، آسانی سے سفر طے کر لیتے ہیں، میں تو سرین پہ ہاتھوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے انچ انچ آگے بڑھتا ہوں، مجھے زیادہ وقت لگتا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور ادھر میرا سفر ہی ختم نہ ہو تو میں حج سے محروم نہ ہو جاؤں۔
मैंने कहा नौजवान तू मेरे घर आराम कर ले, मैं तेरे लिए सवारी का बंदोबस्त कर देता हूं, तू सवारी पे सवार होके जल्दी वहां पहुंच जाना। फरमाने लगे जब मैंने ये बात की तो नौजवान ने बड़े गुस्से की नजरें मेरे चेहरे पे डाली और कहने लगा कि मालिक है प्रिन्यार, मैं तो समझता था कि आप बड़े दाना हैं, आपने कैसी बात कर दी। तो मैंने पूछा नौजवान क्या बात, आप क्यों नाराज हो रहे हैं। तो नौजवान आगे से कहने लगा कि देखें, अगर कोई गुलाम अपने मौला को नाराज कर बैठे, अगर कोई गुलाम अपने आका को नाराज कर बैठे और फिर गुलाम दिल में इरादा करे कि मैं जाऊं अपने मौला से माफी मांगने के लिए, उसको मनाने के लिए, तो मालिक अपने दिनार मुझे बताओ गुलाम को पैदल जाना अच्छा लगता है या सवारियों पे सवार होके शाम से जाना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि पैदल जाना अच्छा लगता है। कहने लगा बस मैं भी घिसट घिसके अपने रब के दर तक जाना चाहता हूं। यह कह के वो चला गया और उसने मेरी परवाह ही नहीं की। फरमाते हैं अल्लाह की शान देखिए कि उसी साल मुझे भी हज बैतुल्लाह की शहादत मिली। वकूफ अराफात के बाद जब हम मिना आए तो मैंने रमीय जिमार से फारिग हुआ शैतानों को कंकरियां मार के, तो देखा कि कुछ लोग हैं जो घेरा करके खड़े हैं। तो मैंने पूछा भाई क्या बात। कहने लगे एक नौजवान है जो अल्लाह से दुआएं मांग रहा है और हम खड़े सुन रहे हैं। मैंने कहा जरा मुझे भी देखो भाई, रास्ता दे दो। थोड़ा रास्ता जो दिया तो मैंने देखा वही नौजवान एहराम बांधा हुआ है और इर्गिर्द से बेखबर है और अपने मौला से उसने तार जोड़ी हुई है और अपने दिल की मुनाजात अपने रब को सुना रहा है और यूं कह रहा है कि अल्लाह मैंने तेरे घर का तवाफ भी कर लिया, अल्लाह वकूफ अराफात भी कर लिया, अल्लाह मैंने शैतान को कंकरियां मार के अपनी बेजारी का ऐलान भी कर दिया, अल्लाह अब कुर्बानी का वक्त है। ये इर्द गिर्द जितने भी लोग खड़े हैं साहिब इस्तेआत हैं, ये जाएंगे और जानवरों को कुर्बान करेंगे। अल्लाह तू जानता है मैं फकीर हूं, मेरे जिस्म पे कपड़ों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। ए अल्लाह आज इस मौके पर मैं अपनी जान का नजराना आपको पेश करना चाहता हूं, अल्लाह ये नजराना कबूल कर लीजिए। ये कह के उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और अपनी जान जानावरी के सपुर्द कर दी। जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्ची मोहब्बत होती है वो आते हैं तो इन जगहों पर उनकी ये कैफियत होती है। चुनाचे आज हम तो जहाजों के सफर करके आए बैठे हैं ना। इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह हैं, अल्लाह ने इनका दिल खोल दिया, अल्लाह वालों की सोबत में गए, दुनिया बदल गई। कहते हैं कि इन्होंने बलख से मक्का मुकरमा का सफर इस तरह किया कि कदम उठाते और दो रकत नफल पढ़ते, फिर अगला कदम उठाते फिर दो रकत नफल पढ़ते। 2.5 साल लग गए अपने घर से बैतुल्ला शरीफ आते हुए, और यहां आके जब इन्होंने तवाफ किया तो मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ के दुआ मांगी, अल्लाह लोग तो पैदल चल के तेरे घर के दीदार के लिए आते हैं और मैं तो पलकों के बल चल के तेरे घर के दीदार के लिए हाजिर हुआ हूं। अब सोचिए ना जरा उनके अमल को, जिसने हर हर कदम पे दो रकत नफल पड़े होंगे, वाकई वो पलकों के बल चल के अपने महबूब का घर देखने के लिए आया, तो फिर उनकी कैफियत फिर कैसी होंगी। आज हमें रात का बचा हुआ खाना सुबह खाना पड़ जाए तो हम तीवरियां बना लेते हैं, बचे हुए खाने शॉपर के अंदर बंद करते कूड़े क्रिकेट के ढेर में डाल देते हैं। हमारे नाज नफरों का क्या कहना, पानी मिलता है हम कहते हैं ठंडा पानी नहीं है, और पानी मिलता है तो कहते हैं नहीं जी मशरूब नहीं है, और फिर तवक्को करते हैं कि उन अल्लाह वालों की जो कैफियत होती थी वो यहां आकर हमारी भी होनी चाहिए। हमें चाहिए कि फिर हम भी उसी मोहब्बत के साथ यहां आमाल करें। चुनाचे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहा था, तवज्जो फरमाइएगा, फरमाते हैं मैंने एक नौजवान लड़की को देखा कि बहुत ही आशिकाना अशआर पढ़ रही है और बुलंद आवाज से जहरन पढ़ रही है, तो मुझे बुरा लगा
कि नौजवान बच्ची को तो ऐसे आशिकाना अशआर नहीं पढ़ने चाहिए, तो मैंने उसको मना किया कि बच्ची तू जवानुल उम्र नजर आती है, तेरा इस तरह आशिकाना अशआर पढ़ना ऐसे मोहब्बत में बहुत ही गरम गरम जज्बे वाले जो अशआर होते हैं वो तो मुनासिब नजर नहीं आता। फरमाते हैं जब मैंने उसे टोका तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगी कि हसन मुझे इतना बता दें आप इस बैत का तवाफ कर रहे हैं या रब्बुल बैत की तजल्लियात का तवाफ कर रहे हैं। जब उसने मुझसे यह सवाल पूछा तो मैंने उसको जवाब दिया कि ए बच्ची मैं तो इसी बैत का तवाफ कर रहा हूं। जब मैंने यह कहा तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छा जिनके दिल पत्थर होते हैं वो पत्थर के घर का तवाफ करते हैं और जिनके दिल जिंदा होते हैं वो तो उन तजल्लियात का तवाफ कर रहे होते हैं। काश अल्लाह ताला हमें भी वही जज्बा अता फरमा दे और हम भी जाने से पहले कुछ यहां पे अल्लाह से मांग के जाएं, कुछ मनवा के जाएं, कुछ मांग के जाएं और कुछ मनवा के जाएं। दो दिन रह गए, आज भी कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी बस अब तो जाने का वक्त करीब आ गया। तो जब उन्होंने कह दिया कि जाने का वक्त करीब आ गया तो मैं अपने तसव्वुर में सोच रहा था इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा लूं तो चलूं, इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा लूं तो चलूं, मंजरे काबा निगाहों में बसा लूं तो चलूं, इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा लूं तो चलूं, मंजरे काबा निगाहों में जमा लूं तो चलूं, दरे काबा से फिर एक बार लिपट कर रो लूं और कुछ अश्क नदामत के बहा लूं तो चलूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस बकिया वक्त के अंदर जी भरकर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें मगफिरत के साथ, आफियत के साथ, ईमान और हिदायत पर इस्तकामत के साथ अल्लाह ताला वापस लौटाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराक्बा कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बिल आला वहाब, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے سوئے ہوئے دلوں کو جگا، ہمارے مرے ہوئے دلوں کو زندہ فرما. اللہ ہمارے کالے دلوں کو اجلا فرما، اللہ ہمارے کالے دلوں کو منور فرما. رب کریم اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو لبریز فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما. اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما اور مقبول سفر کا اجر اور بدلہ نصیب فرما. ہماری تمام غفلے کوتاہیاں اللہ سب معاف فرما. اللہ ہم سے ایک دوسرے کے آداب کے اندر جو کوتاہیاں ہوئیں کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو وقت باقی ہے اس کو ٹھیک اعمال کے ساتھ صحیح طرح کمانے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.